यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है। लगभग 15,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। टीजीटी कला योग्यता में नई भर्ती में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, यानी कि टीजीटी कला में वही योग्यता रहेगी जो पहली वैकेंसी यानी 2016 में जो योग्यता थी टीजीटी कला की, वही 2020 में जो नया विज्ञापन आने वाला है उसमें भी वही योग्यता रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, टीजीटी पीजीटी की गणित की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप उनसे तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नए कैंडिडेट हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मैथ से, तो उनके बेसिक के लिए हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से अपना बेसिक पहले शुरू कर दीजिए। और शीघ्र ही हम एडवांस तैयारी भी शुरू करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज भी हम कराएंगे, जिससे आपका जो 100% सिलेक्शन हम आपका टीजीटी पीजीटी में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और जैसा हम करा रहे हैं उसको अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका 100% टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो नए हैं तो वो बेसिक की वीडियो, बहुत सारी वीडियो हमारे यहाँ पड़ी हैं, आप एसपी सैनी सर डालें टीजीटी पीजीटी मैथ, तो उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो पड़ी हैं, तो आप उनको करना शुरू कर दीजिए। कम से कम उसे आपको 2 महीने लग जाएंगे। अगर आप भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो 2 महीने का समय लग जाएगा, तो इसलिए आप अभी से शुरू तैयारी कर दीजिए और हम शीघ्र ही एडवांस तैयारी भी शुरू कर देंगे। तो क्या अपडेट है पूरी? मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। टीजीटी प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षा भर्ती, टीजीटी कला में अहर्ता बदलाव नहीं, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है कला में। और देखिए यहाँ पे एक और है न्यूज, 4 वर्ष से बीएड बेरोजगारों को है नई शिक्षा भर्ती का इंतजार, 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की तैयारी। तो 6 महीने के अंदर इसकी परीक्षा कराने की तैयारी है, यानी कि 6 महीने भी लगते भी हैं, कम से कम 6 महीने टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगते हैं। तो इसलिए आप अभी से, आज से ही तैयारी में लग जाइए, तभी आप इसमें सिलेक्शन आपका हो पाएगा। तो पूरी क्या न्यूज है इसको भी हम देख लेते हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षा भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, तो आवेदन जो होंगे ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी, यानी कि बस आप देखिए तारीख आज 24 तारीख होगी, यानी कि और इस सप्ताह के अंदर इसका विज्ञापन जो है आ जाएगा। चयन बोर्ड को भेजे गए अध्याचन में खाली 15,000 पदों का डीआईओएस एवं जेडी के माध्यम से सत्यापन भी पूरा हो चुका है, यानी सत्यापन भी पूरा हो चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार है। 4 वर्ष बाद शुरू हो रही है टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अर्हता में बदलाव नहीं किया है, यानी कोई बदलाव इसमें जो है नहीं किया है। उत्तर प्रदेश लोग, अच्छा, चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित पूरे अन्य विषयों की अर्हता में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी के लिए एलटी ग्रेड कला की भर्ती में अलग अलग अर्हता और चयन बोर्ड की टीजीटी कला का अलग अर्हता होने को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग अर्हता कैसे है। इन दोनों चयन बोर्ड में चल रहे टीजीटी कला विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों की को उम्मीद थी कि मानक में बदलाव किया जाएगा। अब आयोग की ओर से किसी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न पे होगी, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि टीजीटी कला की जो भर्ती होगी वो पुराने पैटर्न पे होगी, यानी उसमें कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है। क्योंकि अगर पैटर्न चेंज करते तो जो नए पुराने अभ्यर्थी है तो वो कोर्ट चले जाते हैं, तो विवाद में ना पड़े इसलिए पुराने पैटर्न पे ही कला में भर्ती होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शीघ्र ही तैयारी शुरू कर दीजिए, हमारे चैनल पे पूरी तैयारी टीजीटी पीजीटी कला की कराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।